कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा इतने बाइक पर लोग एक साथ पूरे प्रदेश में निकले हों और 1,40,000 से अधिक बूथों से निकले हों, यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में मेरे समझ से पहली बार हुआ है। कितनी संख्या रही होगी बाइकों की? लगभग 7 लाख बाइकों की संख्या और उसी के अनुरूप लगभग 14 लाख लोग इन बाइकों पर मूवमेंट किए हैं। कई जगहों से ये जानकारी मिली, स्टेट कैपिटल पे भी ये हुआ कि विधानसभा स्तर पे पेट्रोल पंपों को कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और पार्टी नेताओं और विधायकों की तरफ से उन पे पेट्रोल की व्यवस्था की गई, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ज़्यादातर जो बूथ हैं वह तो गाँव में हैं और गांव में किसी को अगर आप कहेंगे कि रैली के लिए पहले आओ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर पेट्रोल भराओ, फिर अपने बूथ पर जाओ, फिर वहां से रैली निकालो, तो ये सामान्य रूप से संभव नहीं है और प्रैक्टिकल नहीं है। प्रदेश भर में आज करीब 7 लाख बाइकों पर सवार होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमल संदेश बाइक रैली में अपनी सहभागिता की। ईटीवी को मिली जानकारी के अनुसार करीब 5.5 करोड़ रुपए इस पूरे आयोजन पर खर्च किए गए हैं। कई जगहों पर विधानसभा स्तर पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं की बाइक पर कहीं पर 1 लीटर पेट्रोल डलाया तो कहीं पर प्रति बाइक 100 रुपये के हिसाब से कार्यकर्ताओं को दिया गया। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्री और तमाम नेता पेट्रोल पंपों पर कार्यकर्ताओं की बाइक पर पेट्रोल डलवाने की व्यवस्था में भी लगे हुए नजर आए। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी, लखनऊ।